हेलो मित्रों, नमस्कार। मैं डी पी आर आपका इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। फ्रेंड्स, तो आप कैसे हैं? मुझे उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। तो जैसा कि कल मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आने वाले कल में एक वीडियो अलग लेके आऊँगा जो ओनली नायब सूबेदार के एक्स वाई ग्रुप की होगी। स्पेशल क्यों होगी? क्योंकि 23 साल तक का जो पेंशन है, बेसिक पेंशन है, वो हवलदार साहब और ओनली नायब सूबेदार साहब का, दोनों का ही एक्स वाई ग्रुप का बराबर है। लेकिन 24 साल के बाद ये अलग हो गया है, तो वो जो पेमेंट अलग हुआ है उसका एरियर्स अलग मिलेगा, उसका जो पेंशन है वो भी अलग मिलेगा, उनसे अलग मिलेगा जो 23.5 साल तक समान चल रही थी पेमेंट। तो कितना मिलेगा, इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे। दोनों ग्रुप पे बात करेंगे, एक्स और वाई पे, दोनों का ही मैं डाटा लेके आया हूँ। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, टेबल में आपको मिलेगा एक्स ग्रुप ORP 2 का 23.5, 24 से लेकर 28 साल तक का बेसिक, फिर इसका 50%, फिर दोनों का टोटल, फिर 53% इसका, इसके बाद में फिर इसका टोटल, ORP 3 में बेसिक, फिर उसका 50%, फिर उसका टोटल, फिर 53% अगर DR मिलता है तो वो निकाला है, फिर उसका टोटल निकाला है 53% का, फिर इसके बाद में ये आपका अंतर निकाला है मैंने 50% ORP 2 ORP 3 का, फिर उनका आर्यन निकाला है, फिर 53% ORP 2 और ORP 3 इन दोनों का अंतर निकाला है, फिर इसके बाद में अगर 53% के हिसाब से बनेगा तो इतना आर्यर्स बनेगा, और अगर 50% के हिसाब से मिलेगा तो इतना मिलेगा। ये दोनों की मैंने सीट बनाई है। तो मेरा जो इसमें टारगेट रहेगा वो ORP 3 रहेगा, और 53% पर ज़्यादा मेरा फोकस रहेगा, क्योंकि जैसा मेरा अनुमान है कि अगले महीने से, मतलब अक्टूबर के महीने से, वो ROP 3 53% के हिसाब से मिल जानी चाहिए। रूल, अकॉर्डिंग टू रूल की बात कर रहा हूँ, फिर वैसे तो पता नहीं क्या हो, ये तो आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ। तो देखिए, 23 और 23.5 का एक्स ग्रुप का ORP 2 में 26,260 है, और मैं बात करूं तो 23 या 23.5 की क्यों कहूं, यहां तो 23 से लेके और नीचे तक आपका 28 तक ये 26,260 ही है एक्स ग्रुप का। लेकिन अब उस बात को हम लोग ORP 3 में करते हैं, तो ORP 3 में बेसिक 23 साढ़े 23 का तो 27,935 है, जैसा कि पहले भी है, ऊपर भी है। तो इसके हिसाब से अगर हम लोग अरियर्स देखते हैं तो 7,668 आएगा। इस बात को मैं कल भी आपको बता चुका था, लेकिन मेरा यहाँ से टारगेट रहेगा 24 साल से लेके 28 साल तक का बताना, तो हम लोग उस पर ध्यान देंगे। 24 साल की जो बेसिक है ORP 2 में, वो 26,260 है, और एक्स ग्रुप की बात कर रहा हूँ। अगर हम लोग देखते हैं ORP 3 में, तो उनकी है 28,275। 24 साल जिनकी क्वालिफाइड सर्विस है, 28,275 है उनकी बेसिक। इसका अगर हम लोग 53% निकालते हैं तो 14,986 बनता है, और उसको टोटल करते हैं तो 43,261 रुपये की पेंशन आनी है, 43,261 रुपये की पेंशन आनी है। अब अगर 50% DA एरियर्स मिलता है तो भाई 9,068 रुपये मिलेंगे, और अगर 53% अरियस मिलता है तो 9,249 रुपये मिलेंगे। ये बात रही 24 साल की क्वालिफाइंग सर्विस जिन भी ओनली नायब सूबेदार साहब की है एक्स ग्रुप की। अब बात करते हैं 24.5 साल, तो 24.5 साल जिनकी भी है उनको जो बेसिक है ORP 3 में, वो है 28,712 का। इसके हिसाब से 53% अगर हम लोग देखते हैं ORP 3 में क्या बनता है, तो वो बनता है 43,929, और उसका 53% अरियर से निकालते हैं तो वो बनता है 11,255। अब बात करते हैं हम लोग 25 साल की, तो 25 साल का जिनकी भी क्वालिफाइंग सर्विस है ORP 3 में, उनका बेसिक है 29,149, और इसके हिसाब से जो पेंशन बनती है 53% DR के साथ, वो बनती है 44,598। अब देखिए, इस टेबल में आप वीडियो जूम करके, उसको पॉज करके, रोक के
आप लोग, मैंने यहाँ पे सब कुछ निकाल के रखा है, आप 53% भी देख सकते हैं। आपका मन नहीं मानना है कि नहीं 53% नहीं, हम तो 50% देखना है। तो मैंने इसमें 50% का टोटल 50% डीए का दिया है यहाँ पे ऐसे करके, तो वो 43,724 रुपये बनते हैं ORP 3 में 25 साल के जो भी ऑनली नायब सूबेदार हैं एक्स ग्रुप के, उनकी अगर 50% के हिसाब से मैं बताऊँ तो 43,724 रुपये बनते हैं। 53% के हिसाब से 44,598 रुपये बनते हैं। इसका अगर अरियर्स हम लोग निकालते हैं तो 13,261 बनता है, 13,261 बनता है 3 महीने का। अब बात करते हैं 25.5 साल, तो 25.5 साल जिनकी क्वालिफाइंग सर्विस है उनका जो बेसिक है ORP 3 में वो 29,600 है, और इसका अगर मैं 53% निकाल के जोड़ता हूँ तो 45,288 रुपये मासिक पेंशन बनती है। और इसके बाद में 53% जो अरियर्स है वो 15,331 रुपये का बनता है 3 महीने का, ठीक है। अब आगे 26, 27, 28, मतलब 26 से लेके 26, 26.5, 27, 27.5 और 28, इनकी अगर पेंशन जो है वो बेसिक की बात करूँ ORP 3 में तो 30,050 रुपये है, 30,050 रुपये है। इसका 53% निकालने के बाद उसको अगर हम जोड़ते हैं तो वह बनता है 45,977, 45,977। और ये 45,977 का अगर हम लोग अरियर्स देखते हैं तो वो बनता है 17,396 रुपये, 17,समथिंग 400 रुपये, मोटा मोटी बता रहा हूँ राउंड फिगर में। तो ये बात रही अभी तक मैंने जो आपको बताई एक्स ग्रुप की, ऑनली नायब सूबेदार साहब एक्स ग्रुप 24 साल से लेके 28 साल तक का। यहाँ पर मैंने आपको मंथली पेंशन और उसका अरियर्स जो है 53% के हिसाब से कितना बनेगा वो बताया। अगर आप 50% के हिसाब से देखना चाहते हो तो वीडियो आप लोग पॉज करके देख लो, मैंने इसमें डाटा में निकाल रखा है। मैं अपना ये जो एक्स ग्रुप है वो तो कंप्लीट हो गया, अब हम बात करेंगे बाई ग्रुप पे। तो देखिए ये बाई ग्रुप की टेबल है, आप लोग ध्यान से देखें, और मैं यहाँ पर इसको एक्स की जगह पर बाई कर देता हूँ अब, क्योंकि ये इसके अंदर चला जाएगा। तो ORP 2 में वाई ग्रुप का 23,523 का जो पेंशन बेसिक है वो है 23,750, और इसकी अगर मैं कैलकुलेशन करता हूँ बाई द वे 53% निकालता हूँ तो वो 36,338 बनता है ORP 2 में। ORP 3 में इसका जो बेसिक है वो है 25,738 जो कि 23 और 23,500 तक है, ठीक है ना। और 23,500 तक क्या है कि 25,738 ORP 3 में ये 23,523, 24, और इसके बाद में और भी नीचे चलते हैं 25, 25,500, 25,500 तक, 23 से लेके 25,500 तक, 25 साल 6 महीने तक, 25 साल 6 महीने तक ये जो इनका बेसिक है ORP 3 में बाई ग्रुप वालों का वो 25,738 है। इसके हिसाब से अगर इसका 53% निकालते हैं तो वह बनता है 13,641, और इन दोनों वैल्यू को जोड़ते हैं तो वो बनता है 39,379, 39,380। और इसका 3 महीने का अरियर्स देखते हैं तो वो बनता है 9,125, 53% के हिसाब से। और अगर 50% के हिसाब से देखेंगे तो 8,946 बनेगा। और इसकी पेंशन अगर हम 50% के हिसाब से देखते हैं तो पेंशन बनती है साहब 38,607, और 53% के हिसाब से बनती है 39,379। ये बात रही 25.5 साल तक, अब 26 साल से देख लेते हैं। 26 साल से लेके और 28 साल तक क्वालिफाइंग सर्विस समान है, कितनी है 26,738 ORP 3 में, 26,738 ऑनरी नायब सूबेदार साहब बाई ग्रुप
की बात कर रहा हूँ। इसका अगर 53% निकालते हैं तो 14,171 बनता है। इन दोनों वैल्यू को जोड़ते हैं तो 40,909 बनता है। और 40,909 के हिसाब से 3 महीने का जो अरियर आएगा वो 13,715 आएगा। अगर इस इनकी 50% की बात करूँ, 50% निकालने पर जो पेंशन बनेगी मासिक वो 40,107 बनेगी। और इसके हिसाब से अगर अरियर्स की बात करें 50% के हिसाब से, तो वो अरियर्स आएगा 13,446 रुपये। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर बताएं। कोई भी अगर आपको लगता है कि सलाह देने वाली बात है तो आप ज़रूर दें। और आप देखिए, बात कहने का एक तरीका होता है, आप किसी बात को एक रॉन्ग मेथड में भी कह सकते हैं। और आप ये ना समझें कि मेरा जो ये इतनी बड़ी डीपली नॉलेज मैं आपको देता हूँ तो वैसे ही दे रहा हूँ, मेरा जो बैकग्राउंड है वो आर्मी से ही है, ऐसी बात नहीं है। और बहुत सारी बारीकी मुझे इस सेना के बारे में, आर्मी के बारे में मालूम है। जीवन प्रमाण पत्र, स्पर्श, वो सारी चीज़ मैं यहाँ पर उसके ऊपर काम करता हूँ। बहुत जो सामाजिक व्यक्ति हैं हमारी समाज में, जो भूतपूर्व सैनिक हैं, उनकी बहुत सारी समस्याओं का निवारण करता हूँ। और लगभग 3 से 4 घंटे इस टॉपिक पर स्टडी करता हूँ। जहाँ तक कि मेरे जो ताऊ थे, मेरे पिताजी हैं, वो सब आर्मी से रिटायर हैं। तो ये आप ना सोचें कि मैं ऐसे ही बस कोई यूट्यूबर हूँ और बस वीडियो बनाकर आपसे कोई मतलब ऐसे ही बातचीत कर रहा हूँ। नहीं, मेरे को नॉलेज है, डीपली नॉलेज है। अपने जो पिताजी के कार्य सभी मैं ही करता हूँ। तो आप लोग इस चीज़ को दिमाग में रख के बात किया करो कि ऐसे किसी आदमी को, जनरल आदमी जो होता है उसको इतनी ज़्यादा डीपली नॉलेज नहीं होती है किसी भी विषय के बारे में, जब तक कि उसका कोई परिवारिजन ना हो और उसको प्रॉपर गाइडेंस करने वाला ना हो। तो आप लोग वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं, कमेंट किया करो, समझ के कमेंट किया करो। अदरवाइज़ आपको वीडियो अच्छी नहीं लगती है तो आप छोड़ के चले जाया करो। मिलता हूँ आपसे फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, वंदे मातरम।